स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हाउस ऑफ टेक में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे सुकन्या समृद्धि कैलकुलेटर के बारे में, जिसकी मदद से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आप यदि साल में कितना पैसा जमा करें, जिससे कि 14 साल बाद जब मैच्योरिटी हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है सुकन्या कैलकुलेटर। जैसे ही हम सुकन्या कैलकुलेटर टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से आपको जो SSY कैलकुलेटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिया है ईयरली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट एक साल में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी यहाँ पर आपको वैल्यू डालना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट शेयरिंग ईयर, यानी आपको वो ईयर सेलेक्ट करना है जिस ईयर में आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और नीचे आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रही होगी। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। तो मान लीजिए यदि आप 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो ईयरली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6000 रुपये, यानी 6000। तो चलिए हम यहाँ पर 6000 डाल देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शेयरिंग ईयर हम 2021 रखेंगे और इंटरेस्ट रेट जो करंट में 7.6% मिल रहा है उसको रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो कैलकुलेट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नीचे सारी वैल्यू शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैच्योरिटी वैल्यू दिखाई दे रही होगी और उसके सामने इन्वेस्टमेंट वैल्यू, नीचे इंटरेस्ट गेन और मैच्योरिटी ईयर दिखाई दे रही होगी। तो आप देख पाएंगे कि यदि आप 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से अमाउंट जमा करते हैं तो 14 साल बाद जो आपका ओवरऑल मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, यानी 2,63,722 रुपये, जिसमें से अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो रुपये आपने जमा किया है वो होगा आपका कुल मिला के 90,000 रुपये। और इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है 1,73,722 रुपये। और इसकी जो मैच्योरिटी कंप्लीट होगी तो इस प्रकार से आप जो है इस कैलकुलेटर की मदद से आसानी से अपना जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसको आप जान सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यदि आप 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 12 मंथ यानी एक साल का अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका 12,000 रुपये। तो यदि हम यहाँ पे 12,000 रुपये डालेंगे, इन्वेस्टमेंट ईयर वो सेम रखेंगे, इंटरेस्ट रेट भी सेम रहेगा, इसके बाद यदि हम कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी 5,27,445 रुपये, जिसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,80,000। वहीं आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा 3,47,445 रुपये। और मैच्योरिटी ईयर आपका जो है वो 2042 रहेगा, जिस ईयर पे आपका जो है टोटल पैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपको मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिले। मैक्सिमम आप एक साल में 1,50,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।